देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बैटरी की चार्जिंग, सॉरी डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में देखते हैं कि बैटरी को डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जब बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज करने का मतलब ये होगा कि पहले से हम उसको चार्ज किए हैं। जब पहले चार्ज किए हैं तो उस समय क्या कंडीशन होगी कि उसका जो धनात्मक प्लेट है वो पूर्ण रूप से चार्ज होगी, पूर्ण रूप से चार्ज होगी। और उस समय उसका धनात्मक प्लेट क्या कैसा होगा कि शुद्ध, मतलब क्या है, सीसा पराक्साइड का, यानी लेड पराक्साइड का बना होगा। और वो गहरा, मतलब उसका कलर जो होगा भूरा, मतलब भूरा गाढ़ा चॉकलेटी कलर का होगा। और निगेटिव जो प्लेट होगा वह शुद्ध शीशे का होगा। ठीक है, और उसमें क्या कंडीशन होगी, उसके कंडीशन को देखें देखते हैं तो ठीक ना। और जो जब उसे जब जब सेल क्या करता है कि जब डिस्चार्ज होता है तो लोड को क्या करता है, धारा देता है। और उस कंडीशन में सल्फ्यूरिक अम्ल जो उसमें होता है, क्योंकि चार्ज कंडीशन में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है तो H+ और SO4- में टूट जाता है। ठीक है, तो उस समय हाइड्रोजन आयन जो होता है धनात्मक प्लेट की तरफ जाता है, और ऋणात्मक आयन जो होता है वो क्या करता है, कैथोड की तरफ जाता है। ठीक ना, यानी ऋणात्मक प्लेट की तरफ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसके कारण सेल के अंदर जो होता है धारा प्रवाहित निगेटिव क्या है, धारा निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ धारा प्रवाहित होता है, और धनात्मक प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ बाहर की ओर धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, मतलब कहने मतलब यह हुआ कि जब जब डिस्चार्ज करेंगे तो करंट ऐसे होकर के ऐसे निकलेगा। ठीक ना, बात समझ गए, नहीं ये आपका लोड है, ये आपका लोड है। ठीक है, और जब जब ये इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये डिस्चार्ज यदि हो गया तो ये जो ये प्लेट, ये वाला प्लेट है, ये प्लेट PbSO4 का बन जाएगा और ये भी PbSO4 का बन जाएगा। ठीक ना, यदि हम लोग समझे यहाँ समझेंगे तो देखिए, यहाँ से रिएक्शन दिया गया है, PbO2 प्लेट था धनात्मक प्लेट ये वाला, और H+ आयन इसके पास आया, ये आ गया, ये दोनों क्रिया किया तो PbO और पानी बना लिया। क्या बना लिया, पानी बना लिया। और ये PbO और जो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है उससे क्रिया करके क्या बना लिया, PbSO4 बना लिया जो यहाँ आपको दिख रही है, और O2 मतलब H2O बन गया, जो पानी की इसमें अधिकता हो गई। जो कि भाई किसी चीज़ में पानी अधिक मिला देंगे तो वो क्या था? पतला हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पतला हो गया, मतलब पहले जब सल्फ्यूरिक अम्ल था गाढ़ा था, अब ये पतला हो गया। ठीक ना, क्लियर बात भाई। और निगेटिव प्लेट पर क्या होगा, निगेटिव प्लेट पर SO4 डबल माइनस आया है तो ये इससे क्रिया करेगा तो बन जाएगा हमारा SO4 बन जाएगा, जो यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए डिस्चार्जिंग समय यही क्रिया होती है। और क्या परिवर्तन क्या होगा कि देखिए, निगेटिव प्लेट जो होगा और पॉजिटिव प्लेट दोनों किसका बन गया था, SO4 डबल मतलब PbSO4 का बन गया था। और सेल का भाई डिस्चार्ज करेंगे तो क्या, उसका वोल्टेज तो कम हो जाएगा। ठीक ना, और देखिए जब डिस्चार्जिंग करेंगे तो उसमें पानी की अधिकता होगी, जिसके कारण उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 तक हो जाएगा, यानी कम हो जाता है। ठीक है, पहले पहले कितना था, 1.25 करके आसपास था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एकत्र रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो उसमें मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो हमारे हमारा क्या था, इसमें जो रासायनिक रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमारा क्या एनर्जी था, अब वो विद्युत